नमस्कार दोस्तों, एमएस कास्ट पर आप लोग का स्वागत है। तहे दिल से स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो भी स्टूडेंट जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जो है एलएलएम में एडमिशन लेना चाहते हैं। एलएलएम आपको पता होगा कि जो कि पोस्ट ग्रेजुएट जो है लाभ जो है डिग्री है। इसमें आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को सही तरीके से और अच्छे तरीके से पूरा देखना चाहिए, ठीक। और मैं एक एक पॉइंट पे आप लोगों को जो है सारे डिटेल आपको दूंगा। कौन कौन से पॉइंट पे, सबसे पहला पॉइंट इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो है का डेट कब तक है, जो कि आप लोग फॉर्म कब तक भर सकते हैं, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और आप लोगों के जो है एग्जाम पैटर्न के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आप लोग किस तरीके से तैयारी करें कि आप लोगों का जो है सिलेक्शन जो है कैंपस में हो जाए, कितनी सीटें हैं, ये सब सारी चीजें, मतलब ओवरऑल जो है सभी चीजें इसी वीडियो में मैं आपको कवरेज कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक। ऑलरेडी मैंने जो है कई वीडियो बना करके जो है आप लोगों को बताया भी है, लेकिन अब आपके पास मौका नहीं है। अब जो है आप लोग इतने कम टाइम में कैसे तैयारी भी कर सकते हैं, ये चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। किस सब्जेक्ट पे ज्यादा पकड़ बनाना है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉन्टेंट कहाँ से मिलेंगे, ये सब सारी जानकारी, ठीक, एक ही वीडियो में आपको ध्यान से और अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देखना होगा। वीडियो दोस्तों को भी इससे जोड़िएगा इस चैनल से, क्योंकि अगर आप लोग जो है लॉ के क्षेत्र में रहेंगे, चाहे आप एलएलएम करें, पीएचडी करें, या आप जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करें, एलएलबी करें, या आप लोग जो है और भी कोई जो है लीगल रिसर्चर बनना चाहते हैं, तो आपको यहाँ सब कुछ जो है सारी जानकारी मिलेगी। आप लोग अदर यूनिवर्सिटी में भी जाना चाहते हैं तब भी सारी जानकारी मिलेगी। ओवरऑल सभी यूनिवर्सिटी की जानकारी यहाँ पर मिलती है, ठीक। आप लोग बार काउंसिल में कैसे जो है आप लोग इन्वॉल्व करा सकते हैं, या आईबी कैसे दे सकते हैं, ये सब सारी चीजें जानकारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड होती रहती है टाइम टू टाइम। इसीलिए जो है लॉ के क्षेत्र में अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस चैनल से जुड़े ही रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा, ठीक। मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं, कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, आपको सब कुछ वहां भी सारी अपडेटें मिलती रहती है, ठीक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिएगा। चलिए अब जानिए, आप सबसे पहले जान लीजिए जो है आप लोगों का जो है फॉर्म का डेट बढ़ा हुआ है अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी का। पहले जो आप लोगों का डेट जो है 10 तारीख तक था, अब जो इसे बढ़ा करके जो है करीबन जो है 15-20 मतलब 17 तारीख तक जो है या 20 तारीख तक कर दिया गया है। आप लोग एक बार जा करके चेक कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता थोड़ा, मतलब जो है शायद जो है माइंड से सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको अगर चाहिए तो एग्जैक्ट डेट आप लोग जाइएगा, गूगल पर सर्च करिएगा, आप लोगों को वहाँ पता चल जाएगा, नहीं तो मैं आपको शेयर कर दूँगा। 17-20 तारीख ऐसे ही जो है तो अभी भी मौका है आपके पास फॉर्म फिल करने का, ठीक, और तैयारी भी आप लोग सही तरीके से करिए। और आप लोगों को बता दूं जो है इसका डेट अब नहीं बढ़ने वाला, और इसका एग्जाम कब तक होगा, जो जुलाई लास्ट तक एग्जाम करवा दी जाएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा। अभी तो डेट अभी ऑफिशियल डेट नहीं आई है, लेकिन आ जाएगी, जल्द ही आ जाएगा, ठीक। जुलाई जो है लास्ट तक, या जो है आप लोगों का जो है आपका अगस्त जो है फर्स्ट वीक तक आपको एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा, ठीक। इसमें आप लोगों की टोटल 60 सीट है। कंपटीशन अब की बार बहुत ज्यादा हार्ड है, इतना भी हार्ड नहीं है लेकिन हार्ड है, मेहनत करनी पड़ेगी। अब की बार बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मात्रा में फॉर्म को फिल कर चुके हैं, अभी भी देखिए अभी टाइम है, अभी बहुत बच्चे जो है फॉर्म नहीं फिल किए, अभी भी जो है फॉर्म फिल करेंगे। इसका आंकड़ा अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जब डेट क्लोज हो जाएगी तो मैं आंकड़ा बताऊंगा कि फॉर्म कितने फिल हुए। अभी फिलहाल जो है वैकेंसी के हिसाब से फॉर्म बहुत ज्यादा फिल हो चुके हैं, क्योंकि जो है आपकी 60 जो है आपके सीट है लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस में। और क्यों जो है इस मेन कैंपस से एडमिशन लेना चाहिए, इसमें आपको फीस में छूट मिलती है, करीबन 7-8 हज़ार रुपये में आपका हो जाता है एक सेमेस्टर का। तो इस ऐसे ही लगता है आपको 2 साल का इसमें एलएलएम करवाया जाता है, प्लस इसमें आप लोगों को जो है बहुत कुछ सुविधाएं मिलती है, इसमें पढ़ाई भी अच्छी होती है, रिसर्च अच्छे से करवाया जाता है आपको। इसमें जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से करना चाहते हैं, या इंटरनेशनल लॉ से, या क्रिमिनल ग्रुप से करना चाहते हैं, या आप लोग जो है सिविल ग्रुप से, तो ये सब सारी सुविधाएं भी इसमें दी गई है, ठीक। तो इसीलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिफर करते हैं, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि फीस इसमें बहुत कम है। ऐसे प्राइवेट में करने जाएंगे करीबन 60,000-65,000 एक साल का पड़ेगा, और यहाँ 7,000-8,000 रुपये में हो जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो यही चीज़ आप लोगों का जो है इंस्पायर करती है, इसीलिए बच्चे जो है इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मात्रा में फॉर्म को फिल करते हैं, अजमाते अपने किस्मत को, भले ही तैयारी ना करें लेकिन फॉर्म फिल कर देते हैं। लेकिन आंकड़ा उसी हिसाब से बनेगा, मेरिट उसी हिसाब से बनेगा, उसी हिसाब से एग्जाम जो है आप लोगों का हार्ड होगा या जो है लो होगा, सब कुछ जो है देखा जाएगा, भले ही वो ऐसे ही फॉर्म फिल करते हैं, अलग जगह एडमिशन ले हो या ना हो, लेकिन फॉर्म जो है काउंट में रहेंगे, वो लोग नंबरिंग में तो रहेंगे, कंपटीशन में रहेंगे, ठीक।
तो यही सब सारी चीजें हैं। बाकी इसमें आप लोगों को जो है 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको टाइम दिया जाएगा 1.5 घंटे का, 1 घंटे 30 मिनट, 90 मिनट का दिया जाएगा टाइम। आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, इसमें नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 100 में से 100 अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन मेरा जो राय है, मेरा जो मानना है, आप 100 क्वेश्चन का टारगेट बनाकर ही ना जाइए, 90 क्वेश्चन का टारगेट बनाइए और आप लोग जो है 75 क्वेश्चन जो है कम से कम सही करके आइए। ठीक, 90 टारगेट बना के जाएंगे, कम से कम 80 क्वेश्चन करेंगे। 80 क्वेश्चन पे अगर आपका 4-5 अगर गलत भी जाए तो 75 क्वेश्चन सही जाएगा ना, तो आपको सिलेक्शन मिल कैंपस। कितनी अच्छी बात है, कंपटीशन इसलिए हार्ड है। आपकी बार जो है तब की बार क्या हुआ था, 70 क्वेश्चन पे हो गए थे बच्चों के, लेकिन आपके पास 75 क्योंकि कंपटीशन हार्ड है, तो बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है फॉर्म फिल किए हैं, तो मैं इसीलिए 2-4 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा ही बता देता हूँ। ठीक, आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर के जो है आएंगे, आप उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कि कितना नंबर आपको लाना है। ठीक, ये सब सारी चीज़ें हैं, इसमें आपको कई सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो कि आपको जो है आपके हिसाब से आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, आप लोग लॉ ग्रेजुएट होंगे, आपको पता होगा कि इसमें क्या जरूरी है। अगर आप 3 ईयर्स LLB पास किए होंगे, आप लोग पास आउट होंगे, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तब आप LLM कर सकते हैं। LLB 5 ईयर्स में आप लोग जो है पास हुए होंगे तब LLM कर सकते हैं, इसमें कोई परसेंटेज का मायने नहीं रखता। आपको जो है 50% होना चाहिए, 45 या 50% आप लोगों को जो है, या 55% जो है आप लोगों का होना ही चाहिए। ठीक, जैसे जनरल OBC के स्टूडेंट है, 55% जो है आप लोग अगर हैं तो आप लोग LLM में एडमिशन ले सकते हो। और जनरल तक जो है, जहाँ तक जो है मेरे हिसाब से जो है, जनरली जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मेरे स्टूडेंट हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं मेरे, कई हज़ार में हैं, तो 65% जो है परसेंटेज जो है ज़्यादा ही ज़्यादा जो है बच्चों का आया है। ठीक, तो ओवरऑल जो है सभी के परसेंटेज रहते हैं, तो सब लोग एलिजिबल हो। ठीक, अगर करना चाहते हैं तो अभी भी फॉर्म के पास आपके पास टाइम है, अभी कर लीजिए। नहीं, अगर आप लोग इस बार LLB पास किए हैं, तो मेरा जो थिंकिंग है, मेरा जो सोच है, तो अभी आप जो है इस ईयर गैप कर दीजिए, क्योंकि इधर जो है आपके पास टाइम नहीं बचेंगे। अभी 2-3-4 महीने इसमें लग जाएंगे, एडमिशन ये सब सारी चीज़ें, पता चले 2-4 महीने पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद फिर उधर जो है सिलेक्शन होना, उधर पेपर, ये सब सारी चीज़ें, तो इसलिए आप अभी जो है टाइम लीजिए। आप जो है काउंसिल जो है आप लोग जो है इन्वॉल्व लीजिए, जो आप लोग जो है इन्वॉल्वमेंट करवाइए जो है बार काउंसिल में, आप लोग थोड़ा बहुत जो 4-5 महीने हैं उसके प्रैक्टिस पे लगाइए, जो छोटी छोटी जानकारी सब कुछ सीख जाइए। ठीक, और आप लोग तैयारी अच्छे से कर लीजिए, अगर आपका तैयारी नहीं है तो आपको कैंपस मिल जाएगा। यही जो मेरा माइंड कहता है, माइंडसेट कहता है, वो मैं आपको बच्चों को बताता हूँ और वैसे भी आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन आपका माइंडसेट कहता है क्या, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अचीव कर पाएंगे, उसे डिफेंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ कि ना करिए, करिए आप अगर कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं तो। ठीक, ज़्यादा थकान मत, बोझ लीजिएगा माइंड पर, पता चले ये भी ना हो, वो भी ना हो, समझ में नहीं आए, कुछ बेकार हो जाए सब कुछ। ठीक, यही सब सारी चीज़ें थी। बाकी आप लोगों को जो है इसमें सिलेबस जो है आप लोगों को मैं बता दूं कहाँ से कैसे क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला आप लोगों का जो सिलेबस है, सिलेबस में आप लोगों का सबसे पहला नंबर जो है ज्यूरिसप्रूडेंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट ही है, इसमें 10 से 12 क्वेश्चंस आएंगे, 110% ही आएंगे। क्वेश्चन थोड़ा लेवल का पूछा जाता है, आपको जो है बुक लेनी होगी, आपका LLM का बुक मिलता है, जो है आप लोग जाइए जो है कहीं से बुक जो है बाय कर लीजिए, मेरे पास है करीबन 2-3-4 बुकें हैं, तो उसी हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन बच्चों का जो है कोचिंग देता हूँ और बताता भी हूँ, तो इसलिए मेरे पास बुक रहते हैं, रिसर्च उस पर करता हूँ। बाकी ऑनलाइन भी जो है लोगों को सोल्यूशन देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, बताता हूँ। ऑनलाइन नहीं आ पा रहा हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि टाइम नहीं रहता, लेकिन हो सके जो कोशिश करूँगा कि 2-3 दिन में जो है, अभी मेरे पास टाइम हो चुका है, बैच खत्म हो चुका है, तो हो सके मैं 2 से 3 दिन बाद जो है आपको सारी चीज़ें जो है बताऊँ। ठीक, लाइव आकर के, ऑनलाइन आकर के, आपको यूट्यूब पर जो है वीडियो, जहाँ तक जो है जो भी प्रैक्टिस सेट है, मैं आपको अपलोड करूंगा जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके बाद आप लोगों का जो है पेपर आप लोगों का, इसमें जो है सेकंड नंबर जो है आप लोगों का सब्जेक्ट है ला आप कॉन्टैक्ट, आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। इसके इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस होते हैं, धाराएं होती हैं, और जो उसके प्रोविजन होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वही पूछा जाता है। जैसे कि नहीं कि आपको सारे सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो वीडियो मैं ऑलरेडी बता करके रखा हूँ, वीडियो जा करके देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट सारे कॉन्टैक्ट टाइप के सेक्शन मिल जाएंगे। नहीं, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। ठीक, तीसरा को जो आप लोगों का है लाभ टॉट आपको पढ़ना पड़ेगा, ये टॉट आप लोगों का जो है सिलेबस में है, आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, इसमें नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उतना हार्ड में इसमें मत दीजिए, लेकिन क्वेश्चन जो इसके टफ रहते हैं, ये मान लीजिए थोड़ा टफ रहते हैं इसके। और 14 नंबर आपको फैमिली लॉ से, इसमें हिंदू ला मुस्लिम ला दोनों पूछे जाएंगे, ये भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा उसके सेक्शन, उसके धाराओं को, उसके प्रोविजन को, जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है। ठीक, आपको जो है सिलेक्शन मिल जाएगा,
इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करीबन 7-8 क्वेश्चन जो है आपके हिंदू लास्ट, 6-7 क्वेश्चन जो आपके मुस्लिम लास्ट, दोनों मिलाकर के 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपके बीच में रखे ही चलते हैं। ठीक, अगला जो आप लोग का पांचवा नंबर है, आप क्राइम से पूछे जैसे आईपीसी कहते हैं, इससे आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे सीआरपीसी कहते हैं, क्राइम से रिलेटेड जो है सीआरपीसी आईपीसी से दोनों से मिला के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, आप लोगों के सिलेबस में जो 6 नंबर जो है आप लोगों का सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन आप इंडिया से इससे क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ता करीबन 15 से 20 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये सब सारी चीज़ें जान लीजिएगा। बाकी इसे कहाँ से पढ़ना है, ये कॉपी बुक जो है आपको मार्केट में मिलते हैं, आप लोग ले सकते हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसके ऑथर का नाम बता दूंगा, उसे आप लोग बाई कर सकते हैं, नहीं आप लोग पुराने जो आप लोग लिखे हैं नोट्स बनाए हैं पुराने पढ़े हुए हैं आपके पास बेरैक ये सब सारी चीज़ें हैं तो आप उसी से पढ़ लीजिए, क्या जरूरी है बुक लेने, जब सब्जेक्ट आप सब सारी चीज़ें पढ़ ही लिए हैं, सब ला कंप्लीट करके आए हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं, तो थोड़ा बहुत दोहराना है, आप रिविजन करना है, बस कंपटीशन लेवल से रिविजन करना, अभी आप सेमेस्टर एग्जाम देकर के आए हैं लिख करके आए हैं और यहाँ आपको जो है क्या करना होगा टिक लगा के आना होगा, तो ये कंपटीशन लेवल से रिलेटेड जो है आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत अंतर है। ठीक, आप एक बार मेहनत कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक, और नेक्स्ट आप लोगों का है जैसे कि जो है 7 नंबर इंटरनेशनल लॉ से जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही जो है 7 सब्जेक्ट आप लोगों के हैं, इससे क्वेश्चन ही पूछे ही जाते हैं। ठीक, और आप लोगों को बता दूं थोड़ा बहुत जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो है लीगल जो करंट अफेयर्स होते हैं थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन जो है 2-4-6 क्वेश्चन जो है जहाँ तक आ सकते हैं। ठीक, कोई यहाँ इसमें दिया नहीं है सिलेबस में, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, पूछ लिया जाता है जो अपडेटेड रहते हैं लीगल जो है रिलेटेड जो है लीगल से रिलेटेड वहाँ से क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं। ठीक, तो आपको सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कौन कौन से जो है ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पर, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर करना है, इसके बाद आपको लॉ क्राइम पर करना है, इसके बाद आपको करना है जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है फैमिली लॉ पे, और चौथा आप लोगों को कॉन्टैक्ट आते, ये 4 जो है सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इस 4 सब्जेक्ट पे आप फोकस कर लेंगे तो आपका एलएलएम जो है एंट्रेंस एग्जाम जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में मिल जाएगा आपको सीट, और आपका एडमिशन हो जाएगा, आपका सपना साकार हो जाएगा। ठीक, अब इसमें भी कुछ टॉपिक है कि जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक पर मैं वीडियो लाऊंगा, अभी नहीं, इस वीडियो में नॉर्मल ऐसे ये सब सारी चीज़ें बताने आया था, जो कि बताया भी था कई वीडियो में, भी बच्चे कोशिश कर रहे थे कि सर एक बार और रिवीजन कर लीजिए, अभी मेरा रिजल्ट आया तो मैंने सोचा कि आपको बीच में जो है ये चीज़ पहुंचाना ही चाहिए। ठीक, तो इसीलिए मैं बता दिए, और आप तैयारी मन से करिए, ढंग से करिए, अच्छे लगन से करिए, आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक, कंपटीशन थोड़ा हार्ड है, इसीलिए डेडिकेटेड रहिए, अपने मेहनत को लेकर के जो है संघर्षशील बनिए और मेहनत करिए, उस पर जो है आप लोग अड़े रहिए कि मुझे ये चीज़ करना है करना है, आप 1 महीना टाइम दीजिए, अभी भी आपके पास 15-20 दिन है, अभी भी आप लोग जो है तैयारी कर सकते हैं, अगर आप लोग तैयारी नहीं की है पहले से, अभी भी आप लोगों के पास मौका है, आप लोग अपने बैरैक को उठाइए, सब कुछ जो है सारा धारा सेक्शन ये सब सारी चीज़ें जो है रीड कर लीजिए, जो मेन प्रोविजन है उसे भी रीड कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक, ज़्यादा उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ लिए थे, लेकिन पूछा ही जाएगा, एलएलबी के अकॉर्डिंग जो है इसमें क्वेश्चन जो है थोड़ा हार्ड रहेंगे, क्योंकि आप ना पढ़ के जाए वहाँ ना पढ़ने आए। ठीक, तो इसलिए इसमें 2 अंतर हैं, बहुत बड़ा अंतर है, तो इसलिए आप ना पढ़ के जा रहे हैं तो क्वेश्चन चाहे जहाँ से जो है पुटअप कर लिया जाता है, ये जो है नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इतना हार्ड भी नहीं रहता है कि आप करना सकते कर सकते हैं, पढ़े रहते हैं लेकिन आप लोगों को वहाँ याद नहीं रहता कि क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा, तो यही सब सारी चीज़ें हैं, आप टाइमिंग मैनेजमेंट कर लीजिएगा, टाइम भी आपके पास बहुत ज़्यादा रहता है, 1.5 घंटा रहता है, कर ही लेंगे 100 क्वेश्चन, टारगेट बना के जाइए 90 क्वेश्चंस का, 10 क्वेश्चंस का कोई भरोसा मत रखिएगा कि कहाँ से पूछ लिया जाएगा, कहाँ से उठा करके रख लिया जाएगा, हो सके जो है बाहर से भी थोड़ा बहुत ले ले, या जो है आप लोग कभी सुने ना हो वो भी चीज़ जो है दे दे, तो इसलिए 10 क्वेश्चन आप छोड़ के ही जाइए, 90 क्वेश्चन का प्रिपरेशन करिए, और उसमें जो है 75 क्वेश्चन जो है 80 क्वेश्चन टारगेट करिए कि आप लोग जो है करके आए और 75 या 70 जो है क्वेश्चन सही हो जाए, तब आपका जो है भरोसा थोड़ा बहुत जो है अंदर जगह रहेगा कि आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। यही सब सारी चीज़ें थी, आज का वीडियो यहीं तक था, बाकी और कोई जानकारी चाहिएगा मुझसे जो है तो 7985535999 पर कॉल मैसेज करके पूछिएगा, नहीं व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे जो है मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन होएगा, टेलीग्राम से ज्वाइन होएगा, इंस्टाग्राम से मुझे फॉलो करिएगा, प्लस आप मेरे ऐप को भी इंस्टॉल करिएगा। ठीक, मेरे जो है नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा सभी चीज़ों का, आप मुझे वहाँ से जुड़ सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अगर आपको मुझसे और पर्सनली बात करनी है तो आप लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करिएगा, ज्वाइन होइए मुझसे, थोड़ा बहुत कुछ पेमेंट करना पड़ता है, ज्वाइन हो जाएंगे तो आप लोग को हमेशा मुझसे जो है सारी चीज़ें जो है जानकारी मिलती रहेगी, आप पर्सनली मुझसे जो है बाई फेस बात कर सकते हैं। ठीक, आज का वीडियो यहीं तक था, थैंक यू, टाटा टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक आप लोग जो है मेरे साथ जुड़े रहेगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर भी करिएगा।
मेहनत करिए, तैयारी जम के करिए, आपका सिलेक्शन 110% होगा। एलएलएम में आप एडमिशन लेंगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी का आपका सपना पूरा होगा, मैं कराऊंगा, मैं गारंटी देता हूँ। आप लोग मेरे जो है बताए हुए जो है उस पर चलेंगे, आप लोग रास्ते पर चलेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक, थैंक यू।